全さを Aleluia. Id namaha. Id namaha. Aleluia. प्यार लोकी ने अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा को करे आज सुबह. कितना महान है वो परमेश्वर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. कितना महान परमेश्वर है वो. कितना महान परमेश्वर है वो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. कितना महान है तू प्रभु. तेरा प्यार कितना महान है. We thank you, Lord. We thank you for your love. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद इस सुबह के लिए, इस कलीसिया के लिए, आपके लोग के लिए. प्रभु हम जैसे आपके महिमा प्रशंसा को करेंगे, गीतों को गाएंगे, तेरे नाम की जय जयकार को करेंगे. प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस जगह में आकर भर जा. हम लोग सबसे बात कर. थैंक यू जीसस. प्रभु आज तेरा ही नाम की महिमा हो. सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो. थैंक यू जीसस. यीशु मसीह के नाम से आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मसीह की जय. आमेन. खुश है आप सबको देखकर. इतना सुंदर लगता है आप लोग कि ना. हम लोग जैसे स्टार्ट करेगा कुछ गीतों में कि ना, आप लोग घूम के एक दूसरे से मिल लो, हाथ मिला लो, हक कर लो, हाई फाइव दे दो और निकल के थोड़ा मिल लो कोई से जो ना कभी यूजली मिलता नहीं है. निकल के चल देता है इसे किनारे से, थोड़ा निकल के मिल लो. प्रेज द लॉर्ड. स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है. स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है. स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया स्तुति आराधना करते हैं. शैतान भागता है पहला चीज. आमेन आमेन. परमेश्वर का उपस्थिति आता है, अभिषेकता आता है, आशीष आता है. हम जो मसीह लोग हैं, हमें ये चीज एक हैबिट बना लेना चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा करना. प्रेज द लॉर्ड. मैं क्या ले, मेरा पिता जब कुछ माइंड में रहे तो सीटी बजा के गाना गाते,
अभी रिसेंटली नहीं सुना सिटी बजाए, बट पहले वो सिटी बजाते गाना गुनगुनाता सिटी बजाए, तो हमें ऐसे गुनगुनाते रहना चाहिए। ऐसा पुराने गीत है, आज एक दो पुराने गीत को गाएंगे हिम में। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, खून की धारा, प्रेज द लॉर्ड, उस क्रूस पर उसका खून जो हमें साफ करता है, जो हमें बचाया है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम उसके धन्यवाद दिया, जय जय करें, क्योंकि वो जय पाया है इस दुनिया से, शैतान को हराया है, मृत्यु से जय पाया है, आमीन। जब वो जिंदा है तो हम भी जिंदा है, उसके साथ में हम अनंत काल का जीवन व्यतीत करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। जय जय प्रभु यीशु की, सबका जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसके स्तुति करो, जय जय मसीह की जय, जय जय मसीह की जय, जय जय मसीह की जय, जय जय खून की धारा बहती सुरी से जिससे जुड़े जापा दो तू भी अपने देखो जिसमें रहे दादा खून की धारा बहती सुरी जिससे जुड़े जापा दो अपने देखो जिसमें रहे नादा जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो जय जय मसीह की जय 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 मसीह की जय जय मसीह की जय 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 मसीह की जय ग्रहण करो तू आज यीशु को प्रेम की वेदीदार उसको बना लो केवल हारा नाम लगा लो उसको बना लो केवल हारा नाव लगा लो पार जय जय प्रभु यीशु की सबका ओ जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो जय जय मसीह की जय 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 मसीह की जय 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 मसीह की जय वापस आता है आमीन वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा सा जाने आया जगत में उसकी स्तुति करो जय जय मसीह की जय 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 हालेलुया मसीह की जय करते हैं हम उसके प्रशंसा और जय जयकार करते हैं प्रेज द लॉर्ड वो महान परमेश्वर है अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए और उससे हम उद्धार पाते हैं उस क्रूस पर वो महान परमेश्वर है गीत गीता यीशु है महान
प्रभु है महान, इस धरती इस दुनिया में आया पापियों को बचाने के लिए, एक ही नाम है उसके, ऊंचा है नाम, सबसे ऊंचा है नाम, सब देवी देवता से, सब महान नाम जो हम मनुष्य के समझ में है, राजाओं का राजा सबसे महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा, हालेलुया। आज हम वही की प्रशंसा करते हैं, yeah।
यीशु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। हालेलुया, उसकी महिमा आराधना करें। इस दुनिया में आया हमारे लिए, उसने अनोखा प्रेम किया हमसे। आज हम आए उसकी आराधना करने, महिमा स्तुति करने के, उसका जैसा कोई नहीं। We worship you, Jesus. धन्यवाद उठाए, धन्यवाद देश के वो योग्य हमारे धन्यवाद और प्रशंसा के लिए, स्तुति और आराधना के लिए, उसका अनुग्रह और जो कृपा है वो उसका अंत नहीं। We worship you, Jesus. धन्यवाद। मेरे
बड़ी भोर से बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ हाथ उठा सब कहें आराधना प्रेम को किया कि उसने अपना लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और आज हम उस दिन को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पर जाकर अपने जान को दे दी आपके लिए और मेरे लिए इतना प्रेम उसने किया चाबुक की मार को सहा काटों का ताज पहनाया गया थूका गया निंदा किया गया नंगा किया गया हाथों पैरों में कीले ठोके गए और क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने अपने जान को दे दी ताकि हम सब रिहाई पा सके हम सब परमेश्वर के पास आ सकते हैं हम सब मुक्ति को पा सकते हैं पाप से छुटकारा पा सकते हैं अनंत काल के लिए मुक्ति को पा
पा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जाकर क्रूस पर जान को दे दिया ताकि परमेश्वर के पास जो पाक और पवित्र है उसके पास हम आ सकते हैं, उनके चरणों में आ सकते हैं और एक दिन जरूर से उनके पास घर पर जा सकते हैं जहाँ पर उसने हमारे लिए जगह को तैयार किया। अब प्यारे लोग, मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक मददगार को भेजूंगा जो आकर तुम्हारे साथ साथ रहेगा, सामर्थ को देगा, रास्ता को दिखाएगा, शक्ति को देगा, अगुवाई को करेगा। और प्यारे लोग, वादा अनुसार एक ऐसा ही दिन था जब चेले लोग और भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे वो जब ऊपरे कमरे में होकर एक साथ में प्रार्थना कर रहे थे, तब बाइबल सिखलाता है कि स्वर से परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, उनके ऊपर हवा चलने की आवाज आई, आग की तरह कुछ आया उनके ऊपर, अलग अलग होकर एक के ऊपर जाकर बैठ गया। अब प्यारे लोग, वो सामर्थ्य से भर गए, अभिषेक हो गए, पवित्र आत्मा में भर गए, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे और उनके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर उन लोगों ने बड़े से बड़े काम को किया, आश्चर्य कर्म को किया, सामर्थ्य में होकर आश्चर्य कर्म कर करके लोगों को परमेश्वर के घर में ले गया, उनका जीवन बदल गया। और आज परमेश्वर आप सभी से ये बात को कहता है कि ऐसे यही वादा आप सभी के लिए भी है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो पवित्र आत्मा का वादा हमारे लिए भी है और हम उसको पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब परमेश्वर तैयार है आज हम लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अगर हम तैयार है हासिल करने के लिए तो क्यों ना एक बार फिर से अपनी आवाज उठा ले, अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर की महिमा करे, आवाज उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा को करे। एक टाइम में होकर आज एक साथ में होकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे और ये परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने आत्मा को हमारे बीच में उंडेल। तो अपनी आवाज उठा ले प्यारे लोग, महिमा कर रहे हैं, स्तुति करें, विनती को करें, यही समय है। Let's just lift up our voices and worship Him. Let heaven rejoice this morning as God hears your voices. प्यारे लोग, आवाज उठाए अपना, धन्यवाद को दे परमेश्वर को, स्तुति आराधना को करे, महिमा को करे, हर एक शर्म दूर भागेगा, शैतान का काम दूर भागेगा, हर एक बंधन तोड़ा जाएगा, हर एक बीमारी दूर भागेगा, हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म होगा, परमेश्वर की आत्मा में हम भर जाएंगे, प्रभु अगुवाई को करेगा, अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। Oh, that signs and wonders will follow us wherever we go, that you will speak in tongues, that you will be filled with your Holy Spirit, that you will be empowered by your Holy Spirit, that wherever we are, oh God, your light will shine and your love will overflow. And let this happen in this place this morning. Aaj yahan par ho jaye mere Prabhu ji. अपने आत्मा से सभी को भर दे, अपने सामर्थ्य से सभी को भर दे। हालेलुया जीसस, ओ वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम। हालेलुया, हालेलुया, ओ वी वर्शिप योर नेम। Thank you.
हमारे स्वर्ग पिता, तेरे चरणों में मां जाते हैं धन्यवाद की भेंट लेकर, धन्यवाद की शक्तिशाली परमेश्वर, इन संसार को बनाने वाला खुदा तू ही है। धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु के लिए, धन्यवाद जो कुर्बानी उसने दिया ताकि उसके नाम के द्वारा आज हम सब तेरे पास आ सकते हैं, तेरे सन्मुख आ सकते हैं। प्रभु इस भवन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तेरा उपस्थिति यहाँ पर है, धन्यवाद देते हैं कि तेरा सामर्थ हमारे बीच में है, धन्यवाद कि तेरे प्रेम को महसूस कर सकते हैं, तुझसे शांति को पा सकते हैं, चंगाई को पा सकते हैं। प्रभु जितने भी लोग आज हैं यहाँ पर, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु क्या बीत रही है उनके जीवन में हम नहीं जानते हैं, दुख तकलीफ मुसीबत बीमारी प्रकोप जो कुछ भी है, हर एक चीज को आज हम दुत्कारते हैं यीशु के नाम से हैं, जो नाम सबसे ऊंचा, जो नाम सामर्थ से भरा हुआ, उस नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से है हमारे लोग अपने मुसीबत से चंगाई को पाए, अपने बीमारी से चंगाई को पाए, अपने तकलीफ से प्रभु जी रिहाई को पाए, और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो, शांति आ जाए उनके जीवन में कि तूने उनके प्रार्थना को सुन लिया, तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, और अपने समय अनुसार प्रभु जी हर एक जो मांगे उनको पूरा तू करेगा। प्रभु यहाँ पर से कोई भी आज खाली ना जाए, इस दिन जब हम याद करते हैं तेरा पवित्र आत्मा जो लोगों के ऊपर उंडेला गया था, एक दो तीन नहीं प्रभु जी, लेकिन हर एक जो लोग यहाँ पर हैं, हम सब तेरे आत्मा में लोलीन हो जाए, आत्मा से भर जाए और तेरे अभिषेकता को पाए, क्योंकि उसके बिना एक मसीह जीवन जीना बहुत ही कठिन है, अकेले नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा यह पूरा हो सकता है। जो लोग आज हम लोगों को अपने अपने घर से सुन रहे हैं, दूसरे देश से सुन रहे हैं, प्रभु उन पर भी तेरा आशीष बना रहे, जहाँ कहीं पर भी है तेरा उपस्थिति को महसूस करें और जाने कि वो अकेले नहीं है लेकिन तू उनके साथ साथ में है। प्रभु मदद करना कि द्वार खुले, कि वो भी एक गिरजाघर में जाकर लोगों के साथ में शारीरिक तौर से मिलकर तेरी महिमा और आराधना को कर सके। हर एक मुसीबत और रुकावट को हटा देना ताकि ये उनके जीवन में पूरा हो सके, और जैसे आज हम वचन को सुनेंगे हमारे दिल को तू तैयार को कर कि प्रभु जो भी वचन तेरे सेवक लेकर आया है वो तेरी ओर से रहेगा, हमारे जीवन को बदलेगा और तेरे करीब लेकर आएगा। तेरे सेवक के ऊपर बहुत सारे अभिषेकता रहे, तेरे पवित्र आत्मा से भर देना ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में और अगुवाई के अनुसार हर एक वचन जो हमारे बीच में बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा। पूरे सभा को जो भी कुछ आगे होगा सब कुछ तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, हर एक महिमा प्रशंसा तुझको टारक देते हैं, इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। Yeah.
से अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करें, हाथ उठाकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के मांग को करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे हैं। तूने इस प्रतिज्ञा क्यों किया कि हर एक विश्वासी इस दान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पिता हमारे बीच में कितने लोग हैं जो इस दान को नहीं प्राप्त किए हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि यह प्रार्थना जो हमने किया गीत के द्वारा वो पूरा हो जाए। उतर आ हमारे दिल में, उतर आ आसमानी खुशी को हमें भर दे। वो आसमानी खुशी है पवित्र आत्मा का दान। हे पिता परमेश्वर, हर एक के दिल में एक भूख, एक प्यास दे दे कि वे ठहरेंगे नहीं, वे रुकेंगे नहीं जब तक कि वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर लें। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारी उपस्थिति के लिए आज। धन्यवाद क्योंकि तूने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में है। आज इस वचन को जो प्रचार किया जाएगा, जिस पर हम लोग विचार करेंगे, हर एक के हृदय में बैठे वे ठान ले कि वे इस उपहार को प्राप्त करेंगे। भैया हमें मदद करके हम तुम्हारे और भी नजदीक आ जाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। थैंक यू। कुछ दिनों से शायद आप सुने होंगे जगह जगह पर चर्चेस में बातचीत होता है कि पेंटिकॉस्ट डे है, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। कितने लोग जानते हैं डे ऑफ पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्ट क्या है? कोई दो तीन जने, चार जने? असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है कि हम विश्वास करते हैं पेंटिकॉस्ट और अन्य अन्य भाषा में बात करने के। उसके विषय में भी थोड़ा बात करूंगा, लेकिन असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत जो है, सातवां सिद्धांत में हमें शिक्षा मिलता है कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान के लिए वे उनको चाह करना चाहिए, मांगना चाहिए, पूरे दिल से, अपने पूरे मन से इस दान को खोजी करें, पवित्र आत्मा के दान। ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हर एक विश्वासी इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल के दिनों में जब हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जितने मसीह विश्वासी थे वे हमेशा पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करते थे। क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा विश्वास पर प्राप्त किया? जब से तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा के विश्वास बपतिस्मा एक बहुत ही खास चीज़ है। हमारे
जीवन निर्वाह करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। अगर हमें एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करना है तो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। अगर हम उसके लिए सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कैसे भी सेवा करें, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है, सबके लिए है। तो उस पर मैं थोड़ा कुछ विचार लाऊंगा, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, इस पर अगर हम लोग पूरा बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा कुछ आज बताना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसके विषय में और खोजी करेंगे, और जानना चाहते हो तो आप आकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। हम लोग इसमें आपको समझाएंगे कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है, क्यों इसको हम लोग याद करते हैं। प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय चौथा पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:4 में हम लोग पढ़ते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिसे मैं बताया, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, ये दो चीज़ के विषय में हम लोग बहुत चीज़ बात करते हैं, उसके पैदाइश के विषय में, उसके क्रूस पर मरना, और उसके तीसरे दिन बाद जी उठने के विषय में हम लोग बहुत कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट के दिन के विषय में शायद हम लोग बहुत कम बात करते हैं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों से मिला, हम लोग अच्छी तरह जानते थे, करीब 40 रोज तक वो चेलों से बातचीत करता रहा, मिलता रहा, जगह जगह पर उनसे बातचीत किया, उनको साबूत की, वे साबूत को प्राप्त किए कि यीशु मसीह जीवित है, वो मरा तो लेकिन फिर से वो जी उठा है। और उस समय जब उन्होंने 40 दिन तक उसके साथ में था, बातचीत किया, कुछ खास बातें हुआ, उसमें से सबसे मुख्य बात यह है, ये ईश्वरीय रास्ता उनको बताया गया, ये ईश्वरीय काम जो उनको करना था उसके बताया गया, और जो ईश्वरीय काम उन दिनों में उसको बताया गया चेलों को, वो आज हमारे ऊपर भी लागू है। द डायरेक्टिव्स द चर्च रिसीव एट दैट टाइम, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर अस टुडे। और वो क्या था? सुसमाचार को प्रचार करना, सारे दुनिया में जाकर सुसमाचार को प्रचार करना। हम लोग पढ़ते हैं मार्क में, गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 16:15, बहुत जाना हुआ पद है। मरकुस रचित सुसमाचार 16:15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और उसने यानी यीशु ने, याद रखना ये 40 दिन तक उसके साथ में था, आखिरी 40वें दिन में उसने उनसे बातचीत किया और ये कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Praise the Lord. Go into all the world. Preach the gospel to every creature. आप देखते हो वहां पर लिखा हुआ, ये हुक्म था, ये प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा था चेलों के लिए, और ये आज तक हमारे ऊपर लागू है, सारे देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन आप जानते हो कि चेले लोग उस समय नहीं कर पाए, they failed, और आप जानते हो कैसे वे लोग, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नकार कर चले गए, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था वे तितर बितर हो गए, इधर उधर चला गया। यीशु मसीह अच्छी तरह से पहचाना कि वे लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे, इवन दो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दिया, उसका आज्ञा था जाओ सारे संसार में प्रचार करो, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन वो सब चीज देते हुए यीशु मसीह ये अनुभव किया कि वो ये चेले लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे लोग आप जानते हुए भाग गए थे, छिप गए थे, रूम में जाकर बंद करके वहां पर छिपे हुए थे, पतरस उसको नकार दिया, कैसे वे लोग प्रचार करते, कहां से प्रचार करते। इस प्रचार के काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, एक्स चैप्टर 1:8 में अगर आप देखोगे, एक्स चैप्टर 1:8,
प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया जारो सारे जगत में प्रचार करो। फिर उसने उनको कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जरूसलम सारे यहूदिया सारे समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम जाकर ठहरो। शुरू में वो बताया जाओ सब जगह प्रचार करो, लेकिन अगर आप लूक चैप्टर 24 में पढ़ोगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आखिरी कुछ दिन शारीरिक रूप में था, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सब चीज़ देते हुए उसने उनको बाद में फिर कहा कि तुम लोग ठहरे रहो, कहीं नहीं जाना, जाओ जेरूशलम और वहाँ पर ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें वो प्रतिज्ञा पूर्ण ना हो जाए जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके विषय में मैं तुम्हें कई बार बताया। ये यीशु मसीह ने कहा था कहीं नहीं जाना, जाकर जेरूशलम में ठहरे रहो जब तक कि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है पूरा ना हो जाए। क्या प्रतिज्ञा था? कि तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ये सब चीज बताते हुए यीशु मसीह उनको देखते देखते ऊपर चला गया। और हम देखते हैं कि एक आज्ञा चेले लोगों ने माना और वो था वे लोग कहीं नहीं गए। वे गए जेरूशलम, जेरूशलम में गए कब्रार में, 120 लोग वहां पर एकत्रित हो गए, चेले लोग थे 120 और बाकी साथ में मिलकर 11 चेले लोग और सब मिलकर करीब 120 लोग। और वहां पर बाइबल में हमें बताया जाता है कि उनके साथ में मरियम यीशु का माँ भी थी। ना ये खास कर वहां पर बताया गया और मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का विचार है कि अगर तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो तुम्हें पहले मेरी से बात प्रार्थना करो, मेरी जाएगी यीशु से तब यीशु जाएगा परमेश्वर के पास। बिल्कुल गलत, नहीं विश्वास करना कभी। मेरी सिर्फ यीशु के माँ रही, लेकिन उसके बाद उसका जो रहन सहन था, जो उसका रिश्ता था, सब कुछ बदल गया था। वो एक साधारण स्त्री की तरह था, कई एक बच्चे हुए उसके बाद में। वो उसके पास कोई ईश्वरीय ताकत नहीं था कि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई करे। ये गलत है अगर आप ऐसे कहीं सुने हो। सिर्फ हमारा बिचवाई करने वाला है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो ये 120 लोग मरियम के साथ में और कुछ लोग थे वहां पर एकत्रित हुए कमरे में, जाकर ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे 10 दिन तक। हम लोग यहाँ पर आते एक घंटा के लिए प्रार्थना करने के लिए तो थक जाते हैं, टाइम देखते एक घंटा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना हमारे लिए मसीहों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। पिछले हफ्ता मैं और एक और परमेश्वर के सेवक बहुत निराश हो गए। जानते क्यों? क्योंकि बुध की प्रार्थना में कितने लोग आए? एक भी जना नहीं आए, एक राम सुसान। मंगलवार के रात्रि को हमारा प्रार्थना होता है यहाँ पर, कोई नहीं आया। हम लोग दो तीन जने यहाँ पर थे, दो जने कहाँ पर थे? कुछ लोगों ने बताया कि किस कारण वे लोग नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग कहाँ पर थे प्रार्थना के लिए? मैं इस पर थोड़ा दबाव करता हूँ कि हम लोगों को एक साथ में मिलकर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है। और इसीलिए हम लोग मंगलवार के रात्रि को रखते हैं 7 बजे, बुध के दिन में 10 बजे। आपको मौका मिले आकर प्रार्थना करो। मौका मिलने वाला बात नहीं, मौका खोजो, बनाओ, समय निकालो, निकल कर आओ। अगर यहां पर उस रात्रि को किसी के शादी के न्योता रहता तो आप सब फाट पड़ते। क्या बात है, प्रार्थना के लिए बोलो तो हम लोग चुक जाते। मैं आशा करता हूं कि हम लोग ये विचार को बदल देंगे। सिर्फ इतवार के सवेरे चर्च में आना बस नहीं है, हफ्ता में एक रोज भोजन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारा शरीर वैसे
दुबला होते चले जाएंगे तो मर जाओगे। हम लोग 3 बार भोजन करते रोज। परमेश्वर से जब हमें प्रार्थना करने के है तो हमें समय निकालना पड़ेगा। दाऊद के विषय में अभी सुनता था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, सवेरे 12 बजे शाम को। हमने सोचा कि दाऊद एक मनुष्य था, जब वो कर सकता था क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। मैं भी उसमें दोषी हूं, उतना प्रार्थना करने में हम लोग चुक जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं देखने के लिए हम लोग कलीसिया आए यहां पर मंगलवार के रात्रि को, बुध के आए दिन में, और यहां पर समय निकाले प्रार्थना करने के लिए। तभी आत्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे परिवार में होगा, कलीसिया में होगा, आत्मिक जागृति और उन्नति, और बहुत से लोग जोड़े जाएंगे चर्च में। तो हम लोग क्या देखते हैं, 10 दिन तक वे लोग कमरा में बंद करके 10 दिन रात वे लोग प्रार्थना करते थे। मैं नहीं जानता हूं, बाइबल नहीं बताता किस लिए वे लोग प्रार्थना करते थे, क्या खास चीज वे लोग बोलते थे या बात करते थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन किया। और क्या आज्ञा था, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन अभी कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ, जाओ जरूसलम में और ठहरो जब तक कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा नहीं मिल जाए, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए। और वे लोग एक आज्ञा को माने, वे लोग गए जरूसलम और ठहरे वहां पर। 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना को किया। शायद कुछ मन मुटाव उनमें था, कुछ दुश्मनी था, मैं नहीं जानता, हो सकता है उन्होंने सुधारा, क्षमा मांगा, क्षमा किया, कुछ गड़बड़ी रहा उनके जीवन में, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा को मांगा, परमेश्वर उनको क्षमा किया। वे इस जगह पर आ गए जहां पर वे परमेश्वर के सामने बिल्कुल पवित्र थे। ना ये पवित्र का मतलब ये नहीं कि वे उनमें कोई दोष नहीं था, इसका मतलब है कि वे तैयार थे आत्मा को प्राप्त करने के लिए मुफ्त में। तो क्या होता है 10वें दिन, ये 10वां दिन जो है इसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। यहूदियों लोगों का त्यौहार रहता था। 40 दिन तक यीशु मसीह वहां पर उनके साथ में था, 40वें दिन वो चला गया। उसके बाद 10 दिन तक वे लोग ठहरे हुए थे, 10 दिन सब मिलाकर 50 दिन हो गया। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वें दिन, पेंटी का मतलब है 50, 50th day। ये यहूदियों का एक भारी त्योहार का समय था। लोग यहूदी लोग दूसरे देश से आए थे जरूसलम में, ये पासओवर फीस जो था याद करने के लिए कि कैसे परमेश्वर उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया था। फिर उसके बाद और कई एक त्योहार उस समय होता था, कटनी का त्योहार था, सबसे मुख्य त्योहार उनके लिए था, उस समय कटनी होता था। तो वे लोग लाकर अपने जो कटनी में से पहला भाग जो काटते थे वे लाते थे मंदिर में टाइज की तरह देने के लिए, और वे लाकर देते थे। ये उनके लिए एक बहुत ही भारी त्योहार था। हजारों लोग जगह जगह से आए थे उस दिन वहां पर, जेरूशलम कचाकच भरा हुआ था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो याजक लोग थे, हाई प्रीस्ट, चर्च के जो पादरी लोग थे वहां पर उस समय, और जो लोग चर्च के काम करते थे, वे लोग बहुत ही बिजी थे। चर्च में मंदिर जो था वहां पर वे लोग कुछ ना कुछ करते थे, उसमें वे लोग व्यस्त थे। लेकिन ये 120 लोग एक साधारण कमरा में मंदिर से दूर प्रार्थना कर रहे थे। और क्या होता है, 10वें दिन परमेश्वर का जो जो प्रतिज्ञा था वो पूरा होता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं Acts 2:1-4 में हम लोग पढ़ते हैं, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, ये 50वें दिन, यीशु 40 दिन तक उनके साथ था, उसके 10 दिन बाद 50वें दिन, Acts 2:1 में हम लोग पढ़ते हैं, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वे उससे सरा और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के सर पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत ही सुंदर समय था, एक आश्चर्यजनक के समय था। 10 दिन तक वे लोग प्रार्थना के, 10वें दिन 50वें दिन यीशु के जी उठने के बाद क्या होता है, ये लोग कमरा में प्रार्थना कर रहे थे और अचानक एक तूफान से हवा उनके बीच में आया, सनसनाहट उठा वहां पर, गूंज उठा उसके अंदर और फिर क्या होता है, आग के लपटे आते वहां पर। 120 लोग वहां पर बैठे थे, हर एक के ऊपर जीप की तरह आग के लपटे दिखाई देने लगा, आश्चर्यक्रम के काम होने लगा और परमेश्वर के प्रतिज्ञा पूरा हुआ जो यहां पर लिखा हुआ है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था बहुत साल पहले कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम अन्य अन्य भाषा बात करोगे और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा कि तुम जाकर सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। और यह प्रतिज्ञा यहां पर हुआ, तूफान के तरह उनके बीच में आया, पवित्र आत्मा उस कमरे में प्रवेश किया, आग के लपटे उनके ऊपर, मेरी भी वहां पर थी, उसके ऊपर भी आग के लपटे, तो मेरी कोई खास व्यक्ति नहीं था, याद रखना। पतरस, याकूब, जॉन, ये सब जो वहां पर थे सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया और आग के लपटे वहां पर आए और वे लोग कोशिश करते थे कुछ बात करने के लिए, उनके मुंह से बात करने के लिए, लेकिन कुछ शब्द नहीं निकलता था। और अचानक क्या हुआ कि उन्होंने अनुभव किया कि कुछ आश्चर्य बात होता है, कुछ ऐसे भाषा आता है, कुछ ऐसे शब्द आता है जो वे लोग पहचान नहीं पाए क्या हो रहा है। कुछ लोग एकदम जोश में आ गए, उनका जो विचार था, जिनका जो चलन था उस समय, सब कुछ बदल गया। देखो, इमोशनली स्टर्ड। और जब ये पवित्र आत्मा से पूरा हो गए, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, वे समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, तो ऊपरी कमरा से वे लोग उतर कर नीचे आए। वे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए और क्या हुआ, जब वे लोग नीचे आए, याद रखना यरूशलम कचाकच भरा हुआ था, हजारों लोग उस समय वहां पर थे। वे लोग आए थे फेस्टिवल में, त्योहार में भाग लेने के लिए, लेकिन यहां पर वे लोग जब ये चेले लोग नीचे आए, 120 नीचे आए, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे, आवाज हो रहा था, तो जितने भीड़ थे वहां पर आकर्षित हो गए, क्या हो रहा है। जानते हो हमारा ये ह्यूमन नेचर ऐसा है ना, अगर आप जाकर बाहर रास्ता में थोड़ा चिल्लाए के शुरू करो तो देखो थोड़ी देर में सब एकत्रित हो जाए, क्या हो रहा है। यही चीज हुआ यहां पर, हजारों लोग आ गए सुनने के लिए क्या होता है, देखने के लिए क्या हो रहा है। वे अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे, कुछ लोग कहने लगे ये नशे में है, जना ऐसे ये लोग रात भर दारू पी से अभी सवेरे यहां पर नशा के काम कर रहे। कुछ लोग ये पागल लोग हैं, इनके नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पर सुने कि ये लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो बाहर देश से आए थे उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे भाषा में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की जय जयकार होए। और अगर आप उस जगह पर पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां लिखा हुआ है कि 14 लोग
14 जाति के लोग, एक्स चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे, 5, 8, 11 में, 14 देश के लोग, यहूदी लोग जो दूसरे दूसरे देश से आए थे वहां पर, वे लोग इनके तरफ देखे और सुनने लगे और कहने लगे कि ये तो हमारी भाषा में बात करें। दूसरा बोला, अरे ये तो हमारी भाषा में बात करें। तीसरा देखा, बोला हमारी भाषा में। 14 लोग कहने लगे कि ये लोग हमारे भाषा में कैसे बात करते हैं। वे आश्चर्य करने के लगे। अन्य अन्य भाषा में। और एक चीज और यहां पर जानना बहुत जरूरत है, आप पढ़ोगे वहां पर तो आपको मिलेगा। वे लोग कहने लगे कि ये जो लोग यहां पर मेरे भाषा में बात करते हैं, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, 14 देश के लोग कहते हैं कि हमारे भाषा में बात करते हैं, ये लोग कहां के हैं? याद है, कोई जानता है? गलीली के लोग हैं, गलीलियंस। गलीली के लोग जो थे वे मछली मारने वाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको आज के शब्द में हम लोग शायद कह सकें ये गंवार लोग हैं। और ये लोग कहने लगे कि ये गंवार लोग, गलीली के लोग कैसे हमारे भाषा में बात करें जो हम लोग सीखे थे। वे आश्चर्य किए, वे आश्चर्य करने लगे। जैसे बताया, कोई 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 लोग उसके ठट्ठा उड़ाने लगे, हंसी उड़ करने लगे। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य काम, पतरस, वही पतरस जो एक लड़की के सामने नहकार दिया, 3 बार नहकाला, गालियां देकर नहकारा, वही पतरस जब यीशु को पकड़ा गया तो यीशु से दूर वो चला गया। और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु के साथ साथ जाता था लेकिन दूर दूर से, नजदीक नहीं गया। और गालियां देकर उसने यीशु को नकार दिया, वही पतरस। उसके विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जब ये लोग यहां पर बातचीत करने लगे, ये भीड़ बातचीत करने लगे, ये पागल है, नशे में है, ये लोग कुछ इनमें गड़बड़ी है, और उनको बात भी बात करने लगे, उनके आश्चर्य करने लगे, तो पतरस ये हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर और ये 120 के डिफेंड किया। उसने कहा उनसे कि तुम लोग बिल्कुल गलत हैं, ये लोग नशे में नहीं है, ये प्रार्थना के समय है। उनका प्रार्थना के समय था, वे लोग आए थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के समय। लेकिन उसने कहा ये वो भविष्यवाणी के पूरा होता है यहां पर, जो जोवेल ने कहा था कि लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, कई 100 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुआ था, और लोग अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। पतरस उनके सामने खड़ा होकर कहा कि ये उस भविष्यवाणी का पूरा होना है, फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रोफेसी दैट जोवेल गिव हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर। और पतरस प्रचार करने लगा। अगर आप पढ़ोगे वहां पर उस भाग में, मैं अभी समय नहीं निकालना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पतरस, वो डरपोक पतरस, वो पतरस जो गालियां देकर यीशु को नकार दिया था, वही पतरस जो भाग गया था, ये हजारों लोगों के सामने, 3,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे और उनके सामने वो खड़ा होकर और उनको बताया तुम लोग गलत हो, ये लोग पागल नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है, ये जोवेल का प्रोफेसी जो है वो पूरा होता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। सोचो थोड़ी देर के लिए, कहां से पतरस को ये हिम्मत मिला? वो डरपोक जो भाग गया था एक लड़की के सामने से, अभी यहां 3,000 से लोगों से
सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर उसको आशीष दिया, परमेश्वर का मसीहा था वो, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये उसके आशीष है, ये उसके दान है जिसके द्वारा ये लोग आज पवित्र अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे। जानते हो पतरस ने लड़की के सामने नकारा और इस समय के बीच में कुछ हुआ, ये जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा था कुछ हुआ। क्या हुआ था? वे लोग ऊपरी कमरा में 10 दिन तक प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा से उन्होंने बपतिस्मा को प्राप्त किया। हालेलुया। बाइबल में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे सारी दुनिया में। जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, पवित्र आत्मा में जब पतरस बपतिस्मा ले लिया तब उसमें वो सामर्थ आया, उसमें वो हिम्मत आया, उसमें वो ताकत आया कि लोगों के सामने वो कह सके कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर उसको चुना था, वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, वो मसीहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और आज वो कहता है उसी के आशीष के द्वारा वो जीवित है, उसी के द्वारा ये लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए और अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और जब वे लोग ये सुने तो बिल्कुल चकित हो गए, घबरा गए। बहुत कुछ हम लोग बातचीत उसमें कर सकते हैं लेकिन मैं समय के बचत करने के लिए आगे बढ़ता हूं। उनका एक सवाल था जब उन्होंने सुना, देखा ये सब हो रहा है, What shall we do? हम क्या करें? ये हजारों लोग जो वहां पर उपस्थित थे उनको उनके दिल में दोष लगा कि हाँ सचमुच हम लोगों ने गलती किया, ये परमेश्वर का दान है, ये उसका उपहार है हमारे लिए। और वे तो कहने लगे कि अब हम क्या करें, हम तो दोषी ठहरे, परमेश्वर के विरोध में हमने काम किया, क्या करें अब हम? प्रिय लोग, ये सवाल बहुत ही खास सवाल है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें ये सवाल आना चाहिए कि हम अब क्या करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है जा रहे सारे जगत में प्रचार करो, हम क्या करें? वही चीज हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो एक चीज जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हम प्राप्त करेंगे तो वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम जाकर जगह जगह पर प्रचार कर सके। अगर मैं अपना प्रमाण दूं तो शायद बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को मैं नहीं प्राप्त किया, अगर मुझे नहीं मिला होता तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर प्रचार नहीं कर पाता। मैं अपने स्कूल के दिनों में बहुत शर्माता था, लोगों के सामने खड़ा होकर बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं जब यीशु मसीह के विश्वासी हुआ, एक रोज थोड़े 2-3 हफ्ता के बाद मैं चर्च को गया, वहाँ पर बैठा हुआ था और उस दिन वो आदमी जो पुलपिट पे था उसने, मैं सामने बैठा था, ब्रदर बोस मेरे बगल में बैठा था, उसने कहा आज फिलिप माधवन हमारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं खड़ा तो हो गया, मेरा पैर कांपने लगा, मैं पसीना पसीना हो गया, लोगों के सामने मुझे कुछ बोलना मैं नहीं कर सकता था और मैं खड़ा चुपचाप, ब्रदर बोस मेरे बगल में रहा और उसने कहा आमीन और मैं बैठ गया। मेरा पहला प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा से, ये सच बात मैं बताता, अपना अनुभव मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन मैं एक बताने के द्वारा आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उसके बाद तुम जानते हो क्या हुआ? 2 हफ्ता बाद हम लोग गए नौसूरी में, नौसूरी टाउन में ओपन एयर मीटिंग हम लोग करते थे मार्केट के पास वहां पर, और ब्रदर बोस वहां पर था,
उसने कहा कि आज फिलिप माधवन यहाँ प्रचार करेगा। मुझे बताया गया मैं 10 मिनट तक प्रचार किया, मैं नहीं जानता हूँ क्या, लेकिन आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैंने किया जो कुछ किया। आज तक मैं उसको अपना गवाह मानता हूँ, मैं उसको उसका प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा जो कुछ हम करते हैं, ये कलीसिया जितना बड़ा हुआ आज, ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, न मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं। अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूँ, आप अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं प्राप्त किए, उसके खोजी करो, तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने कहा जितने विश्वासी है उनके लिए है, अगर तुम नहीं प्राप्त किया तो तुम्हें उसके खोजी करना चाहिए, बपतिस्मा करना चाहिए। जब प्रार्थना सभा यहाँ हो मंगल के, जब कभी प्रार्थना सभा आओ यहाँ पर, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें आकर मांग करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, और अगर तुम आओगे यहाँ मंगलवार के रात्रि को, हम लोग प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। तुम अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हो, कोई भी टाइम तुम दिन में आ सकते हो यहाँ चर्च में प्रार्थना करने के लिए, और कहे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है, और वो निश्चय तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देगा। जब वे लोग पूछने लगे कि हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, पतरस ने जवाब दिया। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करो। पहला चीज, पाप से क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अगर आप मसीह विश्वासी है, दूसरा कदम है पानी के बपतिस्मा, बहुत ही जरूरत है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु तुम हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये इसमें हम लोग सम्मिलित हैं। वो कहता है दूर दूर के लोग के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने कहा तुम्हारे लिए है, उन लोगों के लिए जो हजारों लोग उपस्थित थे, उनके बच्चों के लिए, और उसने कहा दूर दूर के लोग, यहाँ हम लोगों के लिए। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तुम्हारे लिए है, परमेश्वर ने दिया हमें। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक प्रचार के द्वारा 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। वही पतरस, याद रखना, दूसरा पतरस नहीं है, वही पतरस जो एक लड़की के सामने यीशु को गालियां देकर नकार दिया था, वही पतरस 3,000 से ज्यादा लोगों के सामने प्रचार किया और वे लोग यीशु के मुक्तिदाता ग्रहण किए। क्या हुआ था, क्या बदलाव हुआ? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। अगर हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है तो नया जन्म जरूरत है, कि हम यीशु पर विश्वास करें, अपने पाप से पश्चाताप करें और आए उसके पास क्षमा मांगने के लिए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो वो हमें नया जन्म देगा, हम नई सृष्टि हो जाएंगे, पुरानी बातें सब खत्म हो जाएगा, हम लोग नए हो जाएंगे। तब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के मांग कर सकते हो, तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। जब हम आते हैं उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ किए जाएंगे, तब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक बहुत ही खास चीज है, परमेश्वर का दान है, वो तुम्हारे लिए है, सब लोगों के लिए है, जितने मसीह विश्वासी तुम्हारे लिए है। जब चाहे तब तुम प्राप्त कर सकते हो, अपने घर पर तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विश्वास से मांगो, अपने आप को उसके सामने रखो और कहो हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, अपने आप को उसके सामने पवित्र कर लो और उसके प्रशंसा करो। प्रेज द लॉर्ड, आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। Glory to God. इस मंगलवार के रात्रि को मैं निमंत्रण देता हूँ आपको,
अगर आप इस समाज को चाहते हो उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ, एक अच्छा पवित्र जीवन निर्वाह करने के लिए सामर्थ, तो मैं आपसे निमंत्रण लेता हूँ कि मंगलवार के रात के आओ यहाँ पर और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करके आओ, याद करो ये वचन जो मैंने आज बहुत ही संक्षिप्त में बताया, इस पर ध्यान दो और आओ यहाँ पर मंगलवार की रात्रि को, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और तुम उस सामर्थ्य को प्राप्त करोगे, तुम बिल्कुल नया हो जाओगे। अगर तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लिए हो तो आओ यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करो जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है। तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम्हारे में पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा कि तुम औरों के ऊपर हाथ रखो कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, ये दान तुमने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के दान। लेकिन कितने लोग यहां पर है जो इसको स्वीकार नहीं किए, और मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर कि आज से बाद वे लोग पवित्र आत्मा के खोजी करेंगे, रुकेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि वे इस सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर ले जिसमें कि वे एक अच्छा जीवन निर्वाह करें और तुम्हारे सेवकाई में तन मन धन से तुम्हारे काम को कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय जबकि हम प्रभु भोज में भाग लेने जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोग अपने अपने हृदय को जांचे, अपने हृदय को खोले, मौका दे पवित्र आत्मा को कि जांचे कि हम बिल्कुल पवित्र ठहराए तुम्हारे सामने, तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। फिर से जो सेवक लोग हैं वे लोग आगे आ जाएं। बरसा दे फिर से तूफान, गुनगुनाते जाओ, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे मेरे ऊपर है परमेश्वर, यही प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम अपने हृदय को तैयार करें प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोग, अपने आप को बंद कर लो, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाओ। ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराने चाल वगैरह त्याग कर यीशु के मार्ग में चलते हो तो इस भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन चेतावनी हमें मिलता है कि अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांचो, यानी कि पवित्र आत्मा को मौका दो कि वो तुम्हारे हृदय में आकर जांचे क्या तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से ठीक है, क्या तुम समझते हो क्यों इस भोज में भाग लेते हो। यीशु ने कहा मेरे याद में किया करो जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। उसकी महिमा और उसके प्रशंसा करने के लिए हम अपने आप को जांचे और इस समय हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को मौका दो कि वो तुमसे बातचीत करे जब प्रार्थना होता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हम यहाँ पर एक साथ में खड़े हैं इस मेज के सामने, आदर के साथ धन्यवाद करते हुए आपके उपकार, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद कि आप हमसे इतना प्रेम किया, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान करा दिया। धन्यवाद कि उसके शरीर तोड़ा गया और उसके जो शरीर में लहू निकला वो सब हमारे लिए। धन्यवाद देते कि आपने एक रास्ता बनाया यीशु मसीह के द्वारा कि हम आपके करीब आ सकते हैं, आपके साथ में अनंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी यही आशा है, धन्यवाद इसके लिए। और हम जैसे यहाँ खड़े याद करते हैं जो दाम आपने चुकाया हमारे उद्धार के लिए, हम ये दाम नहीं चुका पाए, हम उस लायक नहीं, उस काबिल नहीं है, जो पाप के दंड है उसको चुकाने के लिए। लेकिन हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, हमारे वो जो कर्जा था वो अपने ऊपर ले लिया और उसके द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। और जैसे हम इस भोज में भाग लेंगे, याद करेंगे, हम कभी ना भुलाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए हम आपसे प्रेम करते हैं और आपकी महिमा आराधना करते हैं। आपका आशीष आवश्यकता हर एक जन पर रहे और इस भोज पर जैसे हम साथ में खाएंगे पिएंगे, आपका ही महिमा, आपका ही बढ़ाई, आपका ही स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। इस समय रोटी के टुकड़ा दाखरस को बांटा जाएगा। प्रार्थना में लगे रहो और सब ठहरो, फिर हम लोग एक साथ में खाएंगे और पिएंगे।
सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में। कोई छूट तो नहीं गया, सबको मिला? अगर कोई छूट गया अपने हाथ को ऊपर उठाओ। Glory to God. हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। बहुत ही सुंदर गीत भी हम लोगों ने गाया, मिल गई माफी, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस कर गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, लहू बहाया। और उस रात्रि को जो पकड़वाया गया था, उसने अपने चेलों के साथ में बैठा भोजन करने के लिए, और उसने रोटी लेकर तोड़ा और उसने कहा कि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। फिर लोग उसके शरीर के बुरी हालत किया गया, चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, नीला ठोका गया उसके हाथों में पैरों में। बाइबल बताता है कि उसके शरीर जो तलखेत के समान हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने उस रोटी को लेकर उस रात्रि को तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर जो तोड़ा जाता है तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे बीमारी के लिए, तुम्हें छुटकारा देने के लिए, तुम्हें नया जिंदगी देने के लिए। और उसने कहा जब जब तुम खाओगे तो मेरी याद में किया करना। उसके साथ साथ यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। यह निश्चय है यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है, और इस समय उसके याद में उसको धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए हम इस रोटी को खाएं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, धन्यवाद उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ, परमेश्वर पिता को बलिदान स्वीकार हुआ, और उसने ये ऐलान किया कि कोई भी अपने पाप से पश्चाताप करे और विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु ने दाखरस उनको दे कर लिया, लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। इस समय हम एक साथ में यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसको याद करते हुए इस दाखरस को पिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ वी प्रेज यू, उसके प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद बलि होने के लिए, धन्यवाद हमें स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी टू थाई नेम ओ गॉड, प्रेज बी टू थाई नेम ओ माइटी गॉड। धन्यवाद, 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 Maranatha, Maranatha, Maranatha. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Dhanyavad, aap sab baith jaye. Glory to God. जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, हम लोग जो मिशन ऑफरिंग है उसको एकत्रित करेंगे
और ये मिशन चंदा जो है हम लोग बाहर भेजते हैं, यहाँ पर इस चर्च में काम में नहीं लाया जाता है। बाहर जो लोग जिनका जरूरत है, जो हमारे सेवक लोग हैं, उनको बाहर चर्च में मदद करते हैं। बाहर देश में इंडिया में एक अनाथ लड़का है, उसको हम लोग मदद करते हैं स्कूल जाने के लिए। वेस्टर्न साइड में हमारा काम होता है, वहाँ पर हम मदद करते हैं। आपके जो चंदा है पहला हफ्ता जो लिया जाता है उसके द्वारा, तो आप अपना चंदा लाकर यहाँ पर रख सकते हो, टेबल पर लाकर रख दो। जो मिशन ऑफरिंग है इसके द्वारा परमेश्वर की आशीष कई एक लोगों पर रहेगा। थैंक यू। उसका फोटो वहाँ पर लगा हुआ बुलेटिन बोर्ड में आप देख सकते हो। इंडिया के एक अनाथ है और एक ऑफिस के द्वारा हम लोग उसको मदद करते हैं। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपके चंदा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर। प्रभु की जय। मैं खुश है आपको देखकर, जानते हैं जो आशीष को पाए हैं आज परमेश्वर के घर में, इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं हो सकता है। आमीन, आमीन। सबको स्वागत करते हैं, और जो जो ऑनलाइन आप लोग मिस करते हैं, आपको यहाँ यहाँ और आशीष, आपको आशीष वहाँ मिलता है, बट यहाँ जो एनवायरनमेंट है और अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हैं, और खासकर स्वागत करते हैं सिस्टर ललिता, आंटी ललिता मेरे ख्याल से पीछे बैठी है, उसके स्वागत करें नसीनू रोड से। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू आप आए और फिर से आना हमारे साथ में मेल मिलाप करने के लिए। और यहाँ पर बैठा है मेरे ख्याल से कि रोहिणी कुमार और यहाँ हस्बैंड लिखा यहाँ बैठा है, उनको स्वागत कर दे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नंबुआ से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप समय निकल कर आए हमारे साथ में मेल मिलाप करें। परमेश्वर का आशीष आप पर है, सब पर है। जो सूचना है हम जानते, थोड़ा समय हो गया है, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग नहीं वरी करता, टाइम जस्ती हो जाए ना, नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सभा हमारे 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, और निमंत्रण है आपको उसमें भी भाग लेने के लिए। और फिर जो हफ्ता का जो सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रेयर एंड फास्टिंग रहता है, आप दिन में फास्ट कर सकते हैं। और 7 बजे रात को हम यहाँ मिलते हैं प्रार्थना में। हम फिर भी एनकरेज करते हैं आपको कि समय निकालें, सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं रहे कि संडे के आप चेच आ गया, बस वो आपके लिए कुछ नहीं है। हमें 3 बार भोजन, कोई कोई को 4-5 दफ़े भोजन दिन में मांगे, तो हफ्ता में हमें एटलीस्ट
तीन बार हफ्ता में भोजन जो आत्मिक भोजन है, तो ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे, और फिर थर्सडे को जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है, जो होम मीटिंग्स रहता है, आप बुलेटिन में लास्ट पेज में देखेंगे जगह जगह आपके एरिया में जो एरियाज है और एरिया मिनिस्टर भी है, और सुबह में है ब्रदर रॉबर्ट नरसिया के घर पर है, और नंदेरा नेपानी नंदाव में वो लिखा नहीं है लेकिन ब्रदर दिनेश के घर पर है 7 बजे से, और फिर न्यूटाउन वालेलेवू आंटी तारा वती के घर पर है, और नरेरे मकोई नसोरी मेरे ख्याल से 6:30 बजे सैटरडे को है, 11 जून सैटरडे को 6:30 बजे से सीताजीनी के घर पर है नरेरे मकोई नसोरी। आपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लें आपके एरिया में क्या होता है, और इसमें भाग लें थर्सडे को, और इसके द्वारा हम अपने जो फैमिली है, अपने पड़ोसी है, उनको अपने घर पर बुला सकते हैं कि वो यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो थर्सडे था, इस हफ्ता फ्राइडे को कुछ नहीं रहेगा, लास्ट वीक था WM's मेंस मिशन यूथ, लेकिन इस फ्राइडे को नहीं रहेगा। आने वाले समय शायद 1-2 महीना में हम एवरी वीक फिर सभा होने लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल एवरी 2 वीक्स पर होता है, तो ख्याल कर ले इस फ्राइडे को कुछ नहीं रहेगा। सैटरडे हमारे खास एक समय रहेगा, जो हमारे संडे स्कूल रैली है, हमारे संडे स्कूल बच्चे उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ रहेगा, खेलकूद रहेगा और फेलोशिप रहेगा, वो सैटरडे को 9 AM शुरू होगा यहीं पर, सुबह 9 o'clock। तो पेरेंट्स आप अगर फ्री है अपने बच्चों को लेकर आए और साथ में रहे, मदद करें, सपोर्ट करें, और उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ रहेगा। जो टीचर्स हैं उनको मदद भी ज़रूरी है बच्चे को हैंडल करना और एक्टिविटीज़ में, तो अगर आप फ्री है तो प्लीज़ समय लेकर आए, ख्याल कर ले 9 o'clock, प्लीज़ आप अपने लेकर आना, और फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लेना उनको लेकर जाने के लिए। तो हम एक्चुअली सुबह नहीं, कितना बजे फिनिश हुई, मोस्ट लाइकली मिड डे ले, लेकिन आप जो संडे स्कूल टीचर है अपने बच्चे को उनसे चेक कर लेना, लेकिन इस सैटरडे ख्याल कर ले संडे स्कूल रैली है 9 बजे से सुबह, और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी सर्विस, और संडे स्कूल होता है डाउन स्टेज नीचे होता है। इसके अलावा आप देख लेंगे जो बुलेटिन में, और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा क्या क्या और जो प्रोग्राम से आते हैं, आने डेट्स को आता है, और जो क्लीनिंग फ्लावर वंस की नया लोधाला बीच की ओर से रहेगा। हम याद करते रहे जो हमारे ग्रुप में जो ट्यूसडेज को प्रार्थना होता है, हम हर एक जन के नाम लेकर प्रार्थना करते, कई लोग बीमार रहता है, लेकिन धन्यवाद देते परमेश्वर को कि चंगाई होता है, आश्चर्यक्रम होता है, टेस्टमनीज रहता है। आमेन, आमेन, एंड गॉड ब्लेस यू। अपने चंदा दशमांश अपने हाथ में ले ले, और हम जिसे सभा के अंत में आए, परमेश्वर के धन्यवाद देते कि हमें वो लायक बनाता है, ने कमाई में से इसको हम दे सकते हैं उसके राज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, तमाम आशीषों के लिए कि आप हमारे साथ में हैं, आप अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हमें नौकरी दिया है, कमाई दिया है, चाहे छोटा कमाई चाहे बड़ा कमाई, लेकिन वो सब चीज़ आपकी ओर से, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये पिता परमेश्वर, हम जैसे यहाँ पर खड़े अपने चंदा और दशमांश हाथ में लिए, हम जानते हैं आपके वादा अनुसार आपके आशीष हर एक जन पड़ेगा, जैसे वे देते हैं ये कलेक्शन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं कि आपके राज के लिए काम आएगा, आपके नाम का बड़ा ही होगा, और कई लोग आपको जानेंगे और अपने जीवन समर्पण करेंगे। धन्यवाद हर एक जन पर, तेरा आशीष रे, अभिषेकता रे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू जिसे ऑफरिंग कलेक्ट किया था। और एक भुला गया मैं बताया कि आंटी
आंटी सुमित्रा अब आज ही होगी ना, आज ही आज जी राइट ना, राइट न्यूज मिला है, बेबी बॉय बॉय गिर रहा सॉरी प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं तारे बजा के बधाई दे सिस्टर मिलिका और जस्पा का बेबी आज सुबह हुआ है, सो आज ही लगे नहीं है बट आज ही हो गए। आमेन प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी बार हम खड़े जाएं और जैसे हम यहाँ से जाएंगे परमेश्वर के हाथ में इस समय को सौंप दें। तब परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हैं हमारे साथ में और इस सभा में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक हृदय से बात करें। धन्यवाद। और हम याद करते कई लोग जो लिस्ट में नाम थे बीमार है आज, सब हम शायद याद नहीं करते लेकिन हम याद के चाहे जहाँ भी जैसे भी है, न्यूजीलैंड में देवीना है, सिस्टर देवीना, और यहाँ पर हॉस्पिटल में बड़ा कयूम और स्टाइलिशा है, और कई और नाम है, छोटी बेबी रूही है, जितने नाम लिस्ट में है, जितने जो अपने मांग को दिए उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि हम जानते पिता परमेश्वर कि आश्चर्यक्रम के द्वारा आपका ही महिमा होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जैसे हम यहाँ से जाते हैं अपने घर पर, आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति, आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ में रहे, हमारे अंदर से आपका प्रेम बहे कि हम और लोग को एक ज्योति बनकर आपका प्रेम बांटें, और हमें हमारे जीवन के द्वारा आपका ही महिमा होगा। आपका महिमा बड़ाई आज हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड। आमेन गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं और परमेश्वर का आशीष आप पर है।